पॉसिबल था लव। तुम क्या समझते हो अपनी नौटंकी से सारा आर्मी स्कूल जीत लोगे? आर्मी स्कूल क्या, तुम्हारा आर्मी परिवार भी जीत सकता। हाय। आज से हम सिर्फ बडीज नहीं, फ्रेंड्स हैं। हो गया, होना था जब। I love you, श्रवण। नामुमकिन सा था जब जुदा होना। आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में कर्नल विजय तिवारी शहीद हो गए। ये रिश्ता तोड़ गया किसी अपने का खोना। तुम्हारे पापा देशद्रोही। सुमन। झुल्ले लाल की कसम सर, सीओ साहब आज भी सुबह सुबह ऐसे ही ज्वालामुखी की तरह। हाँ बेचारे कर्नल सिंह, करें तो करें क्या, अपना यार सन की मल्होत्रा दी एर्थ, शर्त ही ऐसी लगाता है। कैसी शर्त सर? वो देखो आ गया। मेरी लीव और तुम दोनों के ट्रांसफर पेपर सब साइन है। और ओए सीओ सर, जैन सर, कैप्टन बसी, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट यू गाइस हैव डन? आपके कल के तमाशे की रिपोर्ट्स इस वक्त होम मिनिस्टर साहब पढ़ रहे हैं। सीरियसली लो इसे, क्योंकि बार बार मैं नहीं बचा पाऊंगा। समझा देना अपने उस सनकी को भी। वेरी डिसअपॉइंटेड। सॉरी सर, जैन सर, बड़ी जल्दी सरेंडर कर दिया। मुझे तो लगा था कि अभी एक आध मिसाइल और ही है। चुप होए, तेरी वजह से पता नहीं मैं क्यों हर बार सीओ सर की फायरिंग रेंज में आ जाता हूँ। मतलब मेरी तारीफ कर रहे थे, क्या करूँ यार, चीज ही ऐसी, जितनी तारीफ करो उतनी कम। सर मुझे भी तो बताओ क्या हुआ। इसके साथ रह के जो ना होना वो कम है। अब हम आज भोपाल आ रहे थे तो पोस्ट पे एक छोटी सी पार्टी रखी, खा पी के सब खत्म हो सकता था, है ना? पर भाई को मची चुल और लगा दी शर्त कि पोस्ट के सामने वाली वैली में जो दुश्मन का पैरामीटर है ना, उसे कौन पहले पार करता है। समझ रहे हो ना शर्त के लिए कहां जाना था? अबे जूनियर है, बेवकूफ नहीं सर, सब समझ रहा है। और जो बोला था वो करके दिखाया ना, घुसा ना उनके पाले में। पूरी बात बता। पूरी बात ये है, जिसको सनकी भैया कबड्डी के पाले की तरह बता रहे हैं ना, वो दुश्मन की सीमा है जिसमें ये घुस गए। अच्छा हुआ दोनों तरफ अलर्ट पे आ गए थे, शुक्र है सीज फायर वायलेशन होने से पहले भैया पाला छू कर वापस भी आ गए। और अगली बार चाय नाश्ता भी करके आऊंगा। क्यों करता भाई तू ऐसी हरकतें? तेरी जान देश के नाम पर रजिस्टर्ड है। छुट्टी पे हूँ यार, यहाँ तो बख्श दे। वैसे हमारी चोट के निशान चैंपियनशिप भी तो जीतनी है, दोनों का स्कोर 8-8 पे टाइड है, तो देख कैसे वो जीत के पाला पार करता हूँ मैं। इस पे भी शर्त, ये वाली तो मैं ही जीतूंगा यार। छुट्टी पे हूँ ये सोच के ज्यादा मत तोड़, छुट्टी हो या ना हो जीतूंगा तो मैं ही। छुट्टियों में कहाँ जाओगी? अपनी मम्मी पापा के साथ। तुम? मैं दीदू के साथ, मुझे आर्मी वाले लोगों से मिलवाएंगी, रियल गन्स देखूंगा। ये दीदू और मेरा सीक्रेट है, किसी को बताना मत। ठीक है चले जाऊंगी। बाय बाय। प्लान तो इसका बढ़िया है, इतना अजील बना रहता है ना ये कि सीओ सर तो इसकी लीव एप्लीकेशन देख के फटाफट साइन करते होंगे कि कुछ दिन तो चैन से जीऊं। ये तो है। ज्यादा लंबा झेल नहीं पाते मुझे, इसीलिए तो लोग बाय बाय बोलने में देर नहीं लगाते। अच्छा चलो चलते हैं। सर
अपनी आर्मी लाइफ तो मस्त है, लेकिन आपको नहीं लगता स्कूल लाइफ बेस्ट होती थी? टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मजा नहीं एकदम, है ना? नहीं, सबकी नहीं होती। चलो, लेट हो रहा है, चलो। ठीक है, नहीं 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 नहीं, अरे आप तो कितने बहादुर हो, देखो। नहीं, हम बहादुर डरपोक हैं, हम बेहोश कर देना आप हमें, वही वाला इंजेक्शन लगा दो। सिर्फ चार टाके हैं, उसके लिए एनेस्थीसिया से नहीं देते। नहीं मैडम, नहीं, आप हमें बेहोश ही कर दो, हमको दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। तो ही एनेस्थीसिया, कम से कम शोर तो बंद हो। इनकी पूरी हिस्ट्री ली? यस डॉक्टर। क्या काम करते हैं आप? जी, दुकान है हमारी पूजन सामग्री की। गुड, फिर तो अगर एक हाथ खुले घाव पर इन्फेक्शन की वजह से काटना भी पड़ जाए, अब दूसरे हाथ से पूजा का सामान बेच पाएंगे। लाओ इंजेक्शन। दवाई दे दिए, अब पता भी नहीं चलेगा। दे तो दी दवाई, अब भी जोर मचा रहे, नहीं करवाना है आपको? वो आपने कहा ना कि हाथ काटना पड़ेगा, इसीलिए। किसके पेशेंट हैं आप? जी, सूबेदार सलाइन के दामाद हैं। कभी बात भी किया आपने सूबेदार साहब से? कभी पूछा उनसे कि कितनी जंग लड़ी उन्होंने देश के लिए, कितनी चोटें लगी और कितने टाके? कुछ नहीं तो कम से कम उन्हीं से कुछ सीख लीजिए। और सिस्टर, जिन्हें अपना इलाज नहीं करवाना है उन्हें यहाँ क्यों लेटा के रखा है? जिन्हें ठीक होना है उन्हें अंदर लाइए, और जिन्हें शोर मचाना है प्लीज बाहर। जिसे अपनी जान की परवाह नहीं है, जिसे डॉक्टर की बात नहीं सुननी, वो प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करे। दरवाजा वहां है। सॉरी मैडम, गलती हो गई, अब शोर नहीं मचाएंगे। जानती हूँ, क्योंकि जो इंजेक्शन दिया था उसने अब तक सुन जो कर दिया होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, डॉक्टर तिवारी इन जैसे पेशेंट्स को एकदम कड़क हाथ से डील करना जानती हैं। 12 टाके आए हैं, दर्द होगा। आर यू श्योर आपको एनेस्थीसिया नहीं चाहिए? अरे सर, इज ऑलवेज श्योर डॉक्टर, हमेशा कहते हैं जो सुई से डरा वो मरा। क्या यार बस्ती, मेरा यहाँ टाके लगवाते हुए दर्द नहीं दिख रहा। तेरी जान इसीलिए निकल रही है ना, क्योंकि मेरा स्कोर अब 9 हो गया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भोपाल में और तू बहुत हारने वाला है। ना ना, उतना नहीं, मुझे पूरा यकीन है तेरे पैर टिकने नहीं भोपाल में। करेक्ट, इधर पापा का इनोसेंट वर्डिक्ट आते केस पैक, और उधर मेरा सामान पैक। वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया यार इसमें, अब और नहीं। वैसे सर, आपके पापा का केस बड़ा लंबा खिंच गया, नहीं दूसरी पार्टी पीछे ही नहीं हटी। हाँ यार, ऐसे लगने लगा था जैसे कसम ही खा लियो कभी साथ ना छोड़ने की। मानना पड़ेगा, दुश्मनी में भी साथ पूरा निभाया। अच्छा, वैसे ये सिर्फ केस की बात तो नहीं लग रही, क्या हुआ था? क्यों यार बस्ती,
अब सारे डायलॉग तू ही मारेगा क्या? कभी कभार हम भी मूड में आ जाते हैं। अरे यार गाइस, मुझे ना उस बच्चे से मिलने जाना है। प्लीज मेरी शर्ट पास कर दे यार। डन डॉक्टर। ओके डन। ये ले यार। गरिमा, जरा ड्रॉअर से च्युइंग गम दो प्लीज। यस मैम। इतने सारे फोटोज। रुको, मैं खुद ले लेती हूँ। चाबी। जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ, ये ड्रॉअर लॉक्ड रहना चाहिए। Yes, कोई भी सामान बाहर नहीं देखना चाहिए। यस मैम। डॉक्टर, एक बात पूछूं? जब आपको पता है कि यहाँ गम अलाउड नहीं है और हॉस्पिटल कमांडेंट कर्नल तेज पसंद नहीं करते, तो फिर आप? वो खुद खुश नहीं है, दूसरों में गम बांटते हैं और गम अलाउड नहीं। हाँ सुमन बेटा, सुन। चाची, आपकी आवाज में इतनी स्वीटनेस सुन के ना मैं समझ जाती हूँ कि जरूर कोई नया ऑर्डर होगा। ऐसे क्यों बोल रही है? वो हम निकल ही। हाँ, आप निकल ही रहे थे, पर फिर कुछ हो गया और अब आप लेट हो गए हो, तो वीर को मैं पिक कर, है ना? हाँ, तो तूने इधर भोपाल ही तो आना है, रास्ते में। चाची, आप मेरी कमांडिंग ऑफिसर नहीं है। वीर को मैं पिक कर लूंगी, अब और लेट ना हो जाओ तो आपका इमोशनल वाला लेक्चर ना बाद में सुनूं। बाय। वो सूबेदार के जमाई राजा का ध्यान रखना। डॉक्टर, बेस्ट ऑफ लक। किस लिए? वो आपके फादर का केस। वो केस मैं ही जीतने वाली हूँ। पता है क्यों? क्योंकि झूठ चाहे कितने भी पैसे भाग, जीतता सच ही है। और तुम अपने बॉस को मक्खन लगाने से नहीं, काम करने से आगे बढ़ो। मैम, मैं तो वो। और फालतू की चीजों में तुम्हें पैसे उड़ाने में पता नहीं क्या मजा आता है, पर तुम्हारा एंगेजमेंट का एडवांस कल तक पहुंच जाएगा। आपने रिकमेंडेशन किया? पता नहीं लोग शादी क्यों करते हैं। मुझे सिर्फ बोन समझ में आती है गरिमा। अगर हड्डी टूट जाए तो उसे प्लास्टर लगा के जोड़ा जा सकता है, पर रिश्ते? बोल देना कर्नल को कि कैप्टन डॉक्टर सुमन तिवारी ने किया, और वो ड्रॉअर लॉक्ड रहना चाहिए। अगर खुला ना तो? डॉक्टर तिवारी से कोई भी पंगा लेगा, बैंड मेरी बजेगी, नौकरी जाएगी सवाला। अरे शंभू, इसे साफ कर जल्दी। हमारी सिस्टर को इन्फॉर्म कर दिया, शी इज कमिंग। हे चैंप, चोट लगी? थोड़ी सी। दर्द हुआ? थोड़ा सा। रोया? बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं। पता है, मैं भी बड़े होकर आपके जैसा आर्मी ऑफिसर बनूंगा। अच्छा, नाम क्या तेरा? आई एम वीर तिवारी। अरे वाह, तेरे तो नाम नहीं बहादुर। बाय द वे, आई एम कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। कहाँ के रहने वाले हो? भोपाल। तिवारी भोपाल से? आर्मी फैमिली? सिविलियन, बट मेरी दीदू आर्मी में है। आप कहाँ से हो? अरे तुझमें और मुझमें तो ये भी कॉमन है, मैं भी भोपाल से हूँ। बताओ, सोचा था किसी ने? फिर तो हम दोनों को फ्रेंड्स होना चाहिए ना। अपना हाथ आगे कर। नहीं ऐसे, अब भी ये ज्वाइन कर, ये है फ्रेंड्स वाला हैंडशेक। भूलेगा तो नहीं ना? कभी नहीं। भोपाल आओगे मुझसे मिलने? प्रॉमिस। कैप्टन मल्होत्रा, अगर आप अपना नंबर दे दें तो, इन केस वीर के पेरेंट्स अगर आपको थैंक्स बोलना चाहें तो। ऑफ कोर्स। अच्छा सुन, मैं ना अपना नंबर देके जा रहा हूँ, घर जाते ही मुझे फोन करना, कप्पे शप्पे मारेंगे बहुत, ठीक है? पक्का। लेकिन ये शप्पे क्या होता है? तू ना घर जाके फोन कर मुझे, तब बताता हूँ, ठीक है? सौरभ, जा तो रहे, पर पता नहीं भोपाल का माहौल कैसा हो, जब तक एडजस्ट हुए फिर चल दिए। बात तो सही है सर।
माय फेवरेट कैडेट. ठीक हो, आपके कैडेट को क्या आ सकता है, वी आर द सेम यूनिट. जंग पे अगर किसी सोल्जर को चोट लग जाती है तो पूरी यूनिट उसका और भी ज्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि यूनिट में मैं नहीं हमेशा हम होता है ना. सुमन तिवारी, तुम एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनोगी. यस, सेम यूनिट. रोए तो नहीं ना? इत्तू सा भी नहीं, दूसरे कैप्टन भी नहीं रोए. और अब वो मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि वो मुझे मिलने आएंगे. वॉर में सेम टू सेम है. सर, ये किस कैप्टन की बात कर रहे हैं? वही जिन्होंने एक्सीडेंट में वीर की जान बचाई. सर, अगर आप मुझे उनका नाम बता देते, आई'd रियली लाइक टू थैंक हिम. ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, वैसे अभी निकले, शायद आपको बाहर ही मिल जाए. थैंक यू, चलो वीर. ओए, उधड़ी चमड़ी को थोड़ी देर पहले ही सिला डॉक्टर ने, कम से कम एक दिन ताको को आराम तो दे. चल, मैं चलाऊंगा. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.